साथियों, बीते दशकों में एक ट्रेंड देश ने देखा, बाहर बने मल्टीनेशनल्स बड़ी संख्या में आए और इसी धरती पर आगे भी बढ़े। ये दशक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्माण का, भारत का सामर्थ्य दुनिया में छा जाए इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप्स ही कल के मल्टीनेशनल्स हैं और ये स्टार्टअप्स ज्यादातर किन शहरों में बन रहे हैं, जिन्हें हम आम तौर की भाषा में टीयर टू टीयर थ्री सिटीज कहते हैं। आज स्टार्टअप्स का उभार उन जगह पे देखा मिलने को मिलता है। ईज ऑफ बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, इन सब से बहुत हेल्प ली है। अब पहले स्टार्टिंग में स्टार्टअप में स्टार्ट करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता था, कैसे उसका पहले हम कंप्लायंस पे ध्यान दें, टैक्सेशन का इशू आएगा, बट जो बेसिक आइडिया और स्टार्टअप प्रॉब्लम सोल्व करना था उस पर फोकस डाइवर्ट होने लगता था। ये स्टार्टअप इंडिया की पॉलिसी से कितना उसे ईज हो गया बिजनेस। सेकेंड, उसमें जो मेन जो एक स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए जो फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का नीड होता है, वो स्टार्टअप इंडिया ने हेल्प किया है। और जो जो इतना प्रोत्साहन जो मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी से मिलता है, उससे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत इंक्रीज होता है। अब हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये अब हमारा जो स्टार्टअप है वो पैन इंडिया नहीं, अब हम उसे अगले नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं, एक अदर कंट्री में लेके जा सकते हैं और एक मल्टीनेशनल स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं।